म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के बयान के बाद म्यांमार में बौद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच हिंसा की वजह से म्यांमार से हजारों लोग बांग्लादेश और आसपास के देशों में जाने को मजबूर हुए हैं। फिनलैंड में एक रेस्टोरेंट के बाहर दो महिला पत्रकार और एक नेता को गोली मार दी गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति ने आते ही अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। हमले में तीनों की मौत हो गई है। हमले की वजह भी साफ नहीं है। हालांकि पुलिस एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है, जिसके नतीजे आज आने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और अंतरिम राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के ही जीतने की उम्मीद है। उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की सितंबर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। स्पेन के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एस्टेपोना में एक 26 साल की महिला की मौत हो गई। हालात को देखते हुए इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसे बाद में एक लेवल कम कर दिया गया। करीब 300 लोगों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। आईएसआई की अमाक न्यूज एजेंसी ने इराक के मौसूल में इराकी सेना के साथ मुठभेड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मौसूल पर लड़ाई को लगभग 7 हफ्ते हो गए हैं और शुरुआती सफलता के बाद सेना को आईएसआई से अब कड़ी टक्कर मिल रही है। रूस के ओलंपिक सिटी सोची भयंकर तूफान की चपेट में है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है और जरूरत होने पर ही बाहर निकलने के लिए कहा है। तेज हवाओं और बारिश से कई इमारतों और सड़कों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वियतनाम में नवंबर से जारी तूफान में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले 10 दिनों में भी मौसम में कोई सुधार नहीं होने वाला। 10,000 घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा है और लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। चीन के कई शहरों में कल गहरी धुंध देखी गई। इसके साथ ही 10 शहरों में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा, साथ ही कई फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। जेंगडू शेंगलियू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4,000 लोग फंसे रहे और एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लोगों ने शांति और एकता बनाए रखने के लिए रैली निकाली। 2 दिन पहले ही हजारों लोगों ने शहर के गवर्नर के खिलाफ कुरान को लेकर विवादित बयान देने के मामले में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। ऐतिहासिक शहर बैतलहम में मैनेजर स्क्वायर पर क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाया गया। ये परंपरा यहाँ वर्षों से निभाई जा रही है। इस मौके पर बैतलहम म्युनिसिपैलिटी के जनरल डायरेक्टर टोनी मार्कोस ने लोगों से इलाके में शांति बनाने के प्रयास करने की अपील की।